नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरे T20 मैच की। बात करेंगे टीम इंडिया के दो अहम कारण जिसके चलते टीम इंडिया तीसरा T20 मैच हार गई। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी IPL और क्रिकेट के फैन हो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसको याद से दबा दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कारण नंबर एक। दोस्तों सबसे बड़ा कारण था मेरे हिसाब से वो था रोहित शर्मा का आउट होना। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा जिस समय पे आउट हुए उस समय जो है मोमेंटम था इंडिया के पास, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए सारा जो मोमेंटम था वो चला गया न्यूजीलैंड के पास में। दोस्तों क्योंकि जो है रोहित शर्मा ने 32 गेंद खेल चुके थे और 32 गेंद में जो है रोहित शर्मा ने सिर्फ बनाए थे 38 रन। यानी कि दोस्तों रोहित शर्मा ने जो है काफ़ी ज़्यादा गेंदें खा ली, लेकिन हम सभी को पता है रोहित शर्मा हमेशा ऐसा ही करते हैं, स्टार्टिंग में जो है उनकी शुरुआत जो है वो काफी धीमी रहती है, लेकिन बाद में जो रोहित शर्मा लंबे लंबे छक्के लगाते हैं उसका कोई भी जवाब नहीं रहता। लेकिन आज के मैच में जो है थोड़ा सा जो बाजी है वो उल्टा हो गया। रोहित शर्मा ने गेंद तो खा लिए, सेट तो हो गए और टीम इंडिया को जिताने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उसी समय जो है रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। यहीं पर जो है बाजी थोड़ी बहुत उल्टी पड़ गई। दोस्तों ये था मेरे हिसाब से पहला कारण जहां पर रोहित शर्मा जो है एक बहुत ही अहम समय आउट हो गए, वो जो है पूरी तरीके से सेट हो गए थे छक्के मारने के लिए, इंडिया को जिताने के लिए, लेकिन वही समय जो है रोहित शर्मा आउट हो गए। अब बात कर लेते हैं कारण नंबर दो। दूसरा कारण था वो था दिनेश कार्तिक का सिंगल ना लेना लास्ट ओवर में, क्योंकि लास्ट ओवर में जो है कभी भी कुछ भी हो सकता था। ये जो है क्रिकेट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात का हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जो है दिनेश कार्तिक ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि वो जो है टीम इंडिया को जिताएंगे और गेम को फिनिश करेंगे, लेकिन उनको जो है सामने देखना चाहिए, सामने जो थे वो थे क्रुणाल पांड्या जो कि 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और साउदी की जो है उन्होंने पिछले ओवर में अच्छी खासी धुनाई भी की थी। तो यही जो है कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक से एक चूक हो गई, गलती हो गई कि उन्होंने जो है सिंगल ना लिया। अगर सिंगल लेते तो पांड्या थे वो स्ट्राइक पे आ जाते और कहीं ना कहीं जो है क्रुणाल पांड्या शायद से छक्का या फिर चौका लगा सकते थे और जो गेम था उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा पास में ला सकते थे। तो दोस्तों ये थे मेरे हिसाब से दो अहम कारण टीम इंडिया की हार की। आप सभी को क्या लगता है बताओ नीचे कमेंट करके। आगे और वीडियोस आती रहेगी, बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर याद से कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्रिकेट खेलते रहिए।